रणजीत सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी सामने आई। हेमा मालिनी को लेकर मंच से शर्मनाक बयान दिया। अमित मालवीय का कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला की टिप्पणी पर हमला। कहा, यह सिर्फ हेमा मालिनी नहीं बल्कि सभी महिलाओं का अपमान है। महिलाओं से नफरत करती है कांग्रेस। कंगना रनौत ने रणजीत सुरजेवाला की शर्मनाक टिप्पणी पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच है। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। गौरव बल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कहा, कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है। मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। गौरव बल्लभ के इस्तीफे पर शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, कांग्रेस एक पार्टी नहीं प्राइवेट कंपनी है। यह परिवार को पहले रखती है, राष्ट्र को बाद में। कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर कसा तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, जिन सीटों पर प्रचार करने आ रहे हैं वहां के उम्मीदवार परिवारवादी नेता हैं। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का पलटवार। कहा, जो जनता के बीच रहकर सेवा करता है उसे जनता बनाना चाहती है उम्मीदवार। इस व्यक्ति ने कई वर्षों तक जनता के बीच रहकर जनता की सेवा की है और जनता उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहती है, उसे तो राजनीति में होना ही चाहिए। कुछ बिहार में बीजेपी की रैली को लेकर पीएम ने ट्वीट किया। सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों ने हमारे विकास एजेंडे को समर्थन दिया है, फिर से लोग बीजेपी में अपना विश्वास जताएंगे। जमुई में पीएम की जनसभा को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा, पीएम का जमुई आना हमारे लिए गर्व की बात। नवनीत राणा ने लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील की। बोली, अमरावती के लोग विकास के लिए करें मतदान। पहली बार सीधा मतदान वो कमल को करेंगे तो मुझे लगता है मेरी तो जितना मुझे खुशी है, मुझसे भी कई ज्यादा मेरी अमरावती करों के चेहरों पे खुशी है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। मुख्तार की बैरक की कराई गई है वीडियोग्राफी। जेलर और डिप्टी जेलर समेत कई लोगों से पूछताछ हुई। एमपी के दतिया में बेखौफ दबंगों का कहर। टोल प्लाजा पर दहशत फैलाने को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई। भगदड़ में कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हुई। कर्नाटक विजयपुरा में बोरवेल में गिरा 2 साल का मासूम। मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के मोरबी में विनायक कॉरपोरेशन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। पनेली रोड की घटना है, दूर दूर तक धुएं का गुबार फैला। यूपी के बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद। किसान की गोलियों से भून कर हत्या कर दी। पुराने रंजिश में हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। मेघालय के शिलांग में पुलिस वाहन को पेट्रोल बम से उड़ाने का मामला। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ताइवान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 9 लोगों की मौत की खबर है। भूकंप से करीब 1,000 से ज्यादा लोग जख्मी। ताइवान में भूकंप के बाद फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए 6 श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया। ताइवान के हुलियन में भूकंप के बाद झुकी इमारत। घटनास्थल पर बचाव दल की टीम रेस्क्यू के लिए मौजूद। ब्रुसेल्स में नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। नाटो महासचिव और एंटनी ब्लिंकर ने बैठक में यूक्रेन के लिए दोहराया अपना समर्थन। ये मतलब मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगा कि क्या नाम शायद वाइफ का ही है। लेकिन आपको मिला था टिकट पहले किसी और को, फिर आपको मिला एक कार्यकर्ता में खुशी, फिर अचानक से अब ये फिर से टिकट कट जाना। कल आप नामांकन दाखिल कर चुके थे। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार कर। आपने ट्वीट भी किया है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी फैसला होगा उस पर आप लोग अटल रहेंगे। नहीं, माने
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया तो वो स्वीकार है। काफ़ी देर तक लंबी वार्ता हुई, उस लंबी वार्ता में कई बातें आईं। हालांकि वो बातें ऐसी हैं कि मान लिया उसको तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की और बात करने के बाद फैसला किया। बहुत सुबह आज आपको बुला लिया। हाँ, मतलब वाले पूरी रात से हम लोग यहीं पर थे, तो साहब जल्दी आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह जल्दी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी आकर मुझसे बात की और दोनों लोगों की सहमति बनाकर फिर उनको जो है सिंबल देकर भेजा। एनडीए के साथी जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में कुछ ही देर के लिए टिकट मिलता है, फिर टिकट कट जाता है। बीजेपी भी इस पे कह रही है कि आपको प्रत्याशी ढूंढने में नहीं मिल रहा है, इसलिए सबको वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा समाजवादी पार्टी में। देखिए, वो मान लिया विपक्षी दल हैं तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और प्रतिक्रिया कोई हमारी पार्टी के पक्ष में तो होगी नहीं, तो मान लिया वो विपक्षी दल हैं तो अपनी विपक्षी जैसी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन मैं अपने तमाम साथियों से, जैसे मेरठ और आसपास हमारे जो भी उत्तर प्रदेश और प्रदेश या देश में जो लोग हैं हमारे मानने वाले जानने वाले, मैं सबसे ही कहूँगा कि समय को जो है स्वीकार करना चाहिए और समय पर जो है अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सब परिस्थितियों के लिए सामना करने के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है चुनाव में, किस तरह से आप अपने आप? अब तो चुनाव सिर पर है और पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी। मान लिया विधायक तो हमें सरना के लोगों ने बनाई रखा है। और इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही थी कि स्मृति ईरानी यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए वायनाड में मौजूद है। के सुरेंद्रन, बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है ये तस्वीरें। देखिए, हाथ में धनुष लिए हुए और प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ रही है वायनाड से, जहां एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी है राहुल गांधी तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार है के सुरेंद्रन। तो प्रचार प्रसार की तस्वीरें, जहां साउथ में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है और इस बार बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है साउथ। तो यहां स्मृति ईरानी प्रचार प्रसार कर रही है और ये के सुरेंद्रन को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं।